पतंगबाजी के साथ ही पक्षियों का घायल होना भी शुरू हो गया है। वर्गो सांस्कृतिक संस्थान की ओर से दुकान नंबर 111 किशनपुर बाजार में पतंगबाजी के साथ ही पक्षियों का घायल होना भी शुरू हो गया है। राजधानी में जयपुर में करीब 2 दर्जन पक्षी घायल हो गए हैं। घायल पक्षियों के लिए वन विभाग की ओर से एनजीओ के सहयोग से जयपुर शहर में पक्षी उपचार शिविर लगाए जा रहे हैं। जयपुर की पतंगबाजी देश दुनिया में मशहूर है, लेकिन मकर संक्रांति पर बाजी बेजुबान पक्षी की जिंदगी पर खतरा बन जाती है। संस्था अध्यक्ष रूपाली राव ने बताया कि शहर में कई जगह पक्षी के उपचार के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की है कि किसी को भी कोई भी घायल पक्षी मिले तो वह तुरंत दुकान नंबर 111 किशनपुर बाजार में सूचना दे। वहीं इस मौके पर सचिव रवि कश्यप, वनीता नागर, डॉक्टर टीम पायल मेड़ा, आदर्श वर्मा, सूचना मंत्री सुनील जैन, गंगा शरण दुसाद, रामबाबू दुसाद, अनूप दुसाद, शक्ति गोविंद, पराशर नेहा अग्रवाल, रविंद्र माथुर, भूपेंद्र मालव व्यास, मनोज पंडित, तुषार शर्मा, शुभांशु जोशी, सलामुद्दीन गौरी मौजूद रहे।